हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकल टॉक। मैं योगेश योगराज आज सीबीएसई 12th सीरीज में एक नए चैप्टर बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स को लेके आ गया हूँ। इस चैप्टर के मैंने सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर किया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बायोमैकेनिक्स की। बायोमैकेनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो बायोमैकेनिक्स जो होता है ये होता है इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन एंड मोशन ऑफ द मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। ध्यान से देखिएगा यहां पर कि इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन एंड मोशन ऑफ द मैकेनिकल एस्पेक्ट। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये मैकेनिकल एस्पेक्ट होना जरूरी है। यही डिफरेंस होता है आपके किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स में, क्योंकि बायोमैकेनिक्स जो होता है सिर्फ मैकेनिकल एस्पेक्ट की। बायो प्लस मैकेनिक्स, बायो मीन्स लिविंग थिंग्स और मैकेनिक्स मीन्स रिलेटेड टू योर फिजिक्स। तो यहाँ पर सिर्फ हम जैव यांत्रिकी की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ, इसीलिए इसमें मैकेनिकल एस्पेक्ट्स का होना जरूरी होता है। यही अलग करता है, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर, अगर हम देखा जाए तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं, मोशन की। जैसे सपोज करिए अगर हम एक पर्टिकुलर बोन ही ले लेते हैं, तो बोन हुआ चाहे मसल्स हुआ, तो उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और उसके मोशन की बात करेंगे मैकेनिकल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये कहलाता है आपका बायोमैकेनिक्स। स्पोर्ट्स फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बायोमैकेनिक्स को समझना, क्योंकि बायोमैकेनिक्स के हेल्प से बहुत सारी चीज़ें हम आसानी के साथ कर सकते हैं जो कि हम इंपॉर्टेंस में देखते हैं। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं बायोमैकेनिक्स की, तो बायोमैकेनिक्स की सबसे पहली चीज आती है इंप्रूव परफॉर्मेंस। अभी हमने बोला स्टूडेंट्स कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। होता क्या है कि जब हमने किसी भी स्पोर्ट्स को अगर पर्टिकुलर अगर हम ले लेते हैं, तो उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, कौन कौन से ऐसे मूवमेंट होते हैं, ऐसे प्लेन होते हैं, ऐसे एक्सिस होते हैं जिनको कि हम जान जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब हम उसको अपने टेक्निक्स में, अपने अपने स्किल्स में, अपने अंदर उसको डेवलप करने रखते हैं, तो अपने आप हमारी परफॉर्मेंस क्या होती है, वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। दूसरा आता है इम्प्रूव टेक्निक। टेक्निक की बात करते हैं तो हमें जब अगर कोई भी हो गया, चाहे वो न्यूटन्स लॉ हो गया या कोई भी अगर हम बात करते हैं हमारे अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट की, अगर हम बात करते हैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये सब सारी चीज़ों की अगर हम बात करते हैं, तो अगर ये अच्छी तरीके से हमारे समझ में आ जाता है, कोई भी सपोज करिए क्रिकेट का ही ले लें, तो कौन सा शॉट कितने एंगल पे खेलना चाहिए, हेड पोजीशन क्या होनी चाहिए, दोनों पैरों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, कितना हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें अगर हमें पता हो जाती हैं तो उस कंडीशन में हमारी टेक्निक जो होती है वो भी डेवलप होती रहती है। और उससे क्या होता है कि जब हमारी टेक्निक डेवलप हो जाएगी तो हमारा परफॉर्मेंस जो होगा वो ऑब्वियस सी चीज़ है कि अपने आप वो डेवलप होता जाएगा। इसके अलावा आता है डेवलप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में इवोल्यूशन बहुत तेज़ी के साथ हुआ है। पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहले किस तरीके के बैट यूज होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले किस तरीके के बैट यूज होते थे और अब किस तरीके के बैट यूज हो रहे हैं। पहले अगर फुटबॉल की बात करें तो उसमें किस तरीके के बूट वगैरह यूज किए जाते थे, आज किस तरीके के बूट यूज किए जा रहे हैं। अलग अलग इवन जर्सी से लेके यानी कॉस्ट्यूम की अगर हम बात करें, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बात करें, तो वो इतने अच्छे बनाए जा रहे हैं कि उनकी इफ़िशियंसी इतनी अच्छी है कि हमें लेस एफर्ट में ही हमारा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। पोल वॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी जिस तरीके के पोल्स की अगर देखा जाए, धीरे 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 चेंजेस आए उनसे, तो क्या होता है कि हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी उसी के अकॉर्डिंग, यानी बायोमैकेनिक्स के हेल्प से अगर हम कह सकते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी इवोल्यूशन आया, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनने लगे जो कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। उसके अलावा रहा इम्प्रूव ट्रेनिंग मेथड या ट्रेनिंग टेक्निक्स की अगर हम बात करते हैं,
तो कोच वगैरह जो हैं उनको भी ट्रेनिंग देने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है। कोई भी चीज़ वो पहले बेसिक समझ किसी भी अगर ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो वो बेसिक समझा दे रहे हैं और आसानी के साथ वो धीरे 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 इन सब जितने भी हैं मैकेनिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, जितने लॉ हैं, कैसे एक्शन रिएक्शन वर्क कर रहा है, कैसे न्यूटन्स के तीनों लॉ कहाँ कहाँ कब ऐसे वर्क कर रहे हैं, उनकी हेल्प से हम लेस एफर्ट में कितनी मैक्सिमम वर्क डन हम कर सकते हैं। तो ये सब जब क्या होता है कि कोच के द्वारा, फिजिकल एजुकेशन टीचर के द्वारा जब स्टूडेंट्स को, ट्रेनी को, प्लेयर्स को समझा दिया जाता है तो अपने आप क्या होती है, एक वो बेटर कोचिंग हो जाती है, यानी ट्रेनिंग टेक्निक भी कहीं ना कहीं वो डेवलप होती है बायो मैकेनिक के हेल्प से। इसके अलावा प्रिवेंशन फ्रॉम द स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी की बात करें तो इंजरी का एक बहुत बड़ा दौर रहा है जबकि प्लेयर्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स होता है, कोई भी गेम होता है, ऑन ग्राउंड ऑफ ग्राउंड कहीं भी कोई भी इंजरी हो जाती है, लेकिन अगर हम बायोमैकेनिक्स का प्रॉपर यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हमें इंजरी वगैरह के भी चांसेस कम होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले सकते हैं कि हमें कोई भी एक, हमें सपोज करिए ये हमारा हाथ ही है, तो ये हमारे हाथ का अगर हम मूवमेंट्स की बात करें तो इसके मूवमेंट्स हमें आसानी के साथ पता होते हैं कि इसका मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट कितना है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, इसमें स्ट्रेंथ कितना है। तो जब अगर ये सब हम कैसे समझते हैं, ये सब हम बायोमैकेनिक्स से समझते हैं, तो अब जब हमें अपने इस हाथ की कैपेसिटी समझ में आ गई तो उस कंडीशन में हम उसको उतनी ही एफिशिएंटली हम उसको यूज कर पाते हैं और इंजरी के चांसेस होने कम हो जाते हैं। अगर आप अच्छे जो है अगर तरह से जानते होंगे क्रिकेट वगैरह में सीमर जो होते थे, फास्ट बॉलर होते थे, उनके इंजरी वगैरह, शोल्डर इंजरी सबसे कॉमन इंजरी होती थी, लेकिन जब बायोमैकेनिक्स की एंट्री हुई, जब प्रिंसिपल्स की एंट्री हुई, जब अलग अलग नियम आए, उसके बाद उसकी हेल्प से लोगों ने क्या किया, बॉलर्स ने अपने एंगल्स में चेंजेस किए, सही मोमेंट्स उनको पता चला कि इस मोमेंट में कैसे हमें बॉल रिलीज करनी है, कैसे नहीं रिलीज करनी है, हमारा फॉलो थ्रू क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि उनकी इंजरी की भी जो चांसेस जो ग्रेटर थे वो लेस हो गए। तो स्पोर्ट्स इंजरी से भी बचा जा सकता है। कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, जब टू डेवलप कॉन्फिडेंस, बायोमैकेनिक्स क्या करता है कि कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाता है। ये बहुत आसान चीज़ है क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि जब आप इंजर्ड नहीं होंगे, जब आप इंजरी फ्री होंगे, आपके पास बेटर टेक्निक होगी, बेटर इक्विपमेंट होंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। जब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में आप साइकिल चलाना भी जब सीखते हैं तो उसमें क्या होती है कि कॉन्फिडेंस कम होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप उसके बाद चला लेते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे इसी तरीके से क्या होता है कि जब आपके पास बेटर इक्विपमेंट्स होते हैं, बेटर नॉलेज होती है बायोमैकेनिक्स की, कैंसियोलॉजी की, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ता जाता है। इसके अलावा आता है टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, क्योंकि यहीं पर हमने देखिए डिफिनीशन में ही बताया कि स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मोशन की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी की भी बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी जो होती है उसको समझने में हमें हेल्प मिलती है, उसकी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी, कौन कौन से प्रिंसिपल कैसे, यानी मोशंस की अगर मूवमेंट्स की बात करें तो वो सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो आसानी के साथ कोई भी प्लेयर अपनी बॉडी को समझ सकता है। इसके अलावा एक और आता है इसमें, हेल्प इन हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल मीन्स जब आप डिसीज़ फ्री रहेंगे, अपने आप को अच्छे तरीके से बायोमैकेनिक्स का इम्प्लीमेंशन अपनी लाइफ में आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप हेल्दी रहेंगे, डिसीज़ फ्री रहेंगे, इंजरी फ्री रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्टाइल जो होगी वो हेल्दी होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं बायोमैकेनिक्स की, जिनका कोई इम्प्लीमेंशन करके हम अपने आप को, इंडिविजुअल जो है अपने परफॉर्मेंस को, अपनी लाइफ स्टाइल को वो बेटर कर सकता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारी टॉपिक आती है वो आती है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत ढेर सारे मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडेशन, रोटेशन, प्रोनेशन, बहुत सारी मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ ये चार मूवमेंट्स हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन, ये चार ही आपके मूवमेंट्स जो हैं वो सिलेबस में हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि फ्लेक्शन क्या है, तो एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट, जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है
ये दोनों हमेशा जो है ये आपके सेजिटल प्लेन पे वर्क करते हैं, याद रखिएगा सेजिटल प्लेन पे, जबकि एबडक्शन और एडक्शन जो होते हैं ये फ्रंटल प्लेन पे वर्क करते हैं, फ्रंटल और सेजिटल दोनों में ये। उसके अलावा एक और जो प्लेन होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। तो ये फ्लेक्सन और एक्सटेंशन जो होते हैं ये हमारे जो होते हैं ये आपके वर्क करते हैं सेजिटल प्लेन पे, ठीक। सेजिटल का मतलब होता है जो तीर की तरह एकदम नुकीला, ये इस पोर्शन पे, ठीक है। तो अगर पहली बात हम बात करते हैं फ्लेक्शन की, फ्लेक्शन होता क्या है, तो फ्लेक्शन होता है डिक्रीजिंग एंगल बिटवीन द एडजॉइनिंग पॉइंट। एडजॉइनिंग पॉइंट का मतलब होता है ज्वाइंट, जब किसी भी जो ज्वाइंट्स के दो अगर बोन कहीं पे हो रही हैं, जो एडजॉइनिंग पॉइंट जो होता है वही ज्वाइंट। सपोज करिए ये हो गया एक ये बोन एक ये बोन, अब ये जो है हमारा एडजॉइनिंग पॉइंट, इसी को हम ज्वाइंट्स बोलते हैं। अब इसके बीच में क्या हो कि एंगल डिक्रीज हो, ये देखिए यहां से क्या हो रहा है, ये देखिए ये जो एंगल है ये एंगल क्या हो रहा है, ये एंगल डिक्रीज हो रहा है। अगर एंगल डिक्रीज होता है तो वो कहलाता है आपका फ्लेक्शन, डिक्रीजिंग एंगल बिटवीन एडजॉइनिंग पॉइंट, ये क्या कहलाता है आपका फ्लेक्शन कहलाता है। अब एक्सटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटेंशन जो होता है जस्ट अपोजिट ऑफ द फ्लेक्शन, यानी इंक्रीजिंग एंगल बिटवीन द एडजॉइनिंग पॉइंट, यानी एडजॉइनिंग पॉइंट जो आपका जॉइंट है यहां से जब आपका एंगल इंक्रीज होने लगे लाइक दिस, ये जो मोमेंट है ये जो है यहां पर अगर है, अब यहां पर देखिए क्या है एंगल की अगर हम बात करते हैं तो यहां एंगल कम है। अब इसके बाद ये देखिए एंगल, देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है एंगल, तो ये जो एंगल बढ़ रहा है इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ये हो गया आपका डिक्रीजिंग फ्लेक्शन इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये दो तरीके के मूवमेंट होते हैं। अब बात करते हैं एबडक्शन और एडक्शन की। तो जो एबडक्शन होता है, एबडक्शन और एडक्शन हमने दोनों बताया कि आपके फ्रंटल प्लेन पे होते हैं। फ्रंटल प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में एबडक्शन में मूविंग अवे द बॉडी पार्ट फ्रॉम मिड लाइन, बॉडी के मिड लाइन की अगर बात हम करते हैं तो आप देखिए फिगर में दिख रहा होगा कि अगर हम ये जो इमेजिनरी पॉइंट होती है हमारी बॉडी की मिड लाइन, ये जो सेंटर लाइन है इसको मिड लाइन भी बोलते हैं, सेंटर लाइन भी बोलते हैं, तो अगर इसमें क्या हो मूविंग अवे द पार्ट फ्रॉम मिड लाइन, तो अब इसमें क्या हो कि अगर कोई बॉडी पार्ट हमारा जो है ये मिड लाइन से, ये इस मिड लाइन से दूर जाए, जैसे सपोज करिए ये हमारा हाथ हो गया, अब देखिए ये फ्रंटल प्लेन पे वर्क कर रहा है, अब ये क्या हो गया कि अब ये हमारा हाथ देखिए ये हमारी इमेजिनरी मिड लाइन है, अब इससे ये क्या हो रहा है ये हाथ हमारा दूर जा रहा है। अब इसमें क्या है जब ये हमारा हाथ दूर जा रहा है दिस इज कॉल्ड द एबडक्शन, दिस इज कॉल्ड द एबडक्शन। फिर इसी का जस्ट अपोजिट होता है आपका एडक्शन, मूविंग बॉडी पार्ट टुवर्ड द मिड लाइन टुवर्ड द सेंटर लाइन। अब ये हमारा हाथ है, अब इस कंडीशन में क्या है ये देखिए अब हमारे सेंटर लाइन की तरफ ये जो हमने इमेजिनरी लाइन सपोज की है ये क्या है अब इसके देखिए पास आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है आपका एडक्शन हो जाता है। अगर आप इसके मूवमेंट को भी अगर आप देखिए तो ये क्या होता है आप रिस्ट के मूवमेंट को भी देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका एडक्शन, ये हो गया एबडक्शन, जो दूर जाए वो एबीडी, एबीडी एबडक्शन जो दूर जाता है, ये देखिए है ना मूविंग अवे द बॉडी पार्ट फ्रॉम द मिड लाइन, और एडक्शन, एडक्शन जो है मूविंग बॉडी पार्ट टूवर्ड द मिड लाइन, जो मिड लाइन के जो सेंटर लाइन के पास आए उसे बोलते हैं एबडक्शन। तो ये चार ही मूवमेंट जो हैं आपके फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन और एडक्शन ही आपके सिलेबस में है, और ये बहुत ही आसान है, फ्लेक्शन का अपोजिट एक्सटेंशन और एबडक्शन का अपोजिट एडक्शन। स्टूडेंट्स इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स की। बहुत ही आसान होता है, 3 नंबर का इधर भी तो अल्टरनेटिव ईयर्स नहीं रेगुलर ईयर में पूछा गया है, हर साल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन पूछा गया है। इंडिविजुअल कोई भी एक भी तीनों उनके जो लॉ हैं उसमें से कोई भी एक लॉ और उसका एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इनके 3 जो लॉ हैं, सबसे पहले इन्होंने दिया फर्स्ट लॉ जिसको कि बोला गया लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन इसको बोला गया। अब लॉ ऑफ मोशन क्या है, गति का नियम क्या है, ए बॉडी इन रेस्ट और इन मोशन विल रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड अपॉन इट। मींस
एक जो है, एक अगर सपोज करिए कोई एक बॉडी है वो रेस्ट में है, तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। या तो एक बॉडी जो मोशन में है वो कंटिन्यू मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। सपोज करिए एग्जांपल में दिया है फुटबॉल प्लेस्ड इन अ ग्राउंड। अगर ग्राउंड में एक फुटबॉल है वो स्टेडी पोजीशन में है, वो रेस्ट पोजीशन में है, तो वो तब तक रेस्ट पोजीशन में रहेगी जब तक कि, बोला गया ना कि एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड अपॉन इट, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए, यानी उसको पुश ना किया जाए, उसको किक ना किया जाए, तब तक वो रेस्ट में ही रहेगी। या अगर वो मोशन में है तो वो तब तक वो बॉल रुकेगी नहीं जब तक कि उसको रोका ना जाए कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके। तो दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि बॉल को अगर पुश करके छोड़ दिया जाए वो तो रुक तो जाती है, लेकिन ग्राउंड का जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन जो होता है, वो एक एक्सटर्नल फोर्स होता है जो कि दो सरफेस के बीच में काम करता है, तो उसकी वजह से फुटबॉल रुक जाता है। यानी एक्सटर्नल फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो फ्रिक्शन हो जाएगा और जिससे की वजह से बॉल रुक जाती है। अगर उसको हटा दिया जाए, अगर कॉन्टैक्ट जो है दो सरफेस के बीच जो कॉन्टैक्ट है अगर उसमें से फ्रिक्शंस को हटा दिया जाए तो वो फुटबॉल को अगर किक कर दिया जाए तो वो फुटबॉल जो है वो कंटिन्यू मोशन में रहती है। तो यही इनका न्यूटन का फर्स्ट लॉ रहा। जैसे अगर कोई एक, अगर अदर एग्जांपल्स की अगर हम बात किए जाए तो जैसे एथलीट एक हो गया, वो अगर स्टेडी पोजीशन में है, मैंने जैसे कि उसने अगर क्या किया कि स्टांस ले लिया रनिंग स्टार्ट करने के लिए, तो वो तब तक स्टार्ट रहेगा जब तक कि वो फोर्स लगा के वो आगे नहीं बढ़ जाता, वो वहीं उसी प्लेस पे खड़ा रहेगा। और अगर वो दौड़ रहा है तो कंटिन्यू दौड़ता रहेगा जब तक कि उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोका नहीं जाता। तो इस तरीके के बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के। दूसरा लॉ आता है आपका जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण का नियम। एक्सीलरेशन क्या है कि द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मास के, जो होता है बॉडी जो है मास के, और एक्सीलरेशन के जो क्या होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। यानी अब जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं स्टूडेंट्स कि वॉलीबॉल प्लेयर पुशेस द बॉल, वॉलीबॉल को जब क्या करता है, अब यहां पर क्या है कि अगर एक वॉलीबॉल प्लेयर बॉल को हिट करता है तो अगर वो जितनी तेजी के साथ हिट करेगा उतना ही तेजी के साथ उसमें एक्सीलरेशन आएगा। सपोज करिए अगर वो बॉल को ड्रॉप कर देता है, पुश कर देता है, पुश करके ड्रॉप करता है, तो वो बॉल धीरे से प्लेस होती है। हैमर थ्रोअर अगर की बात करें, हैमर थ्रो अगर कोई भी बॉल है आप अगर थ्रो कर रहे हैं तो अगर आप उसमें क्या करेंगे कि आप जो है धीरे से थ्रो करेंगे वो तो धीरे से बॉल जाएगी, अगर उसको आप तेजी के साथ थ्रो करते हैं तो वो बॉल तेजी के साथ जाती है। हैमर थ्रो किसी के है, डिस्कस थ्रो के इसके एग्जाम्पल्स हैं, उसके अलावा आपके पोल वॉल्ट के भी इस तरीके के एग्जाम्पल्स इसमें आ सकते हैं, जिसमें कि हमारा एक्सीलरेशन जो होता है, यानी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है हमारा एक्सीलरेशन, ठीक है। इसके बबाद जो आता है आपका तीसरा लॉ आता है जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसको लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई भी एक्शन हो रहा है सेम सरफेस पे तो उस कंडीशन में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमें मिलता है। एग्जांपल में देखा जाए कि स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड टू मूविंग फॉरवर्ड। जो स्विमिंग करने के लिए जो स्विमर होते हैं जब वो पानी में जाते हैं तो जब वो तैरना स्टार्ट करते हैं तो अपने हाथों से वो जितना पानी पीछे धकेलते हैं उतना ही रिएक्शन फोर्स उनके बॉडी के ऊपर होता है और उतनी ही तेजी के साथ वो आगे बढ़ते हैं। एथलीट जो होते हैं स्टार्टिंग ब्लॉक पे जो स्टांस लिए होते हैं रनिंग के लिए, तो जितना तेजी के साथ वो पीछे की तरफ उसको धकेलते हैं उतना ही तेजी से सिटिंग ब्लॉक जो होता है वो
उनको आगे की तरफ धक्का देता है। तो इस तरीके से आप कहीं पे आप दीवार पे पंच करिए तो जितना तेजी के साथ आप पंच करेंगे दीवार से उतना ही अपोजिट रिएक्शन आपके आपके पंच पे आपके फिंगर्स पे जो होगा वो अप्लाई होता है। तो ये तीन उन्होंने दिया, न्यूटन्स ने लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन और लॉ ऑफ रिएक्शन, इसका यूज जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स फील्ड में होता है। जैसे कि हमने पहले ही आपके टॉपिक में बायो मैकेनिक्स में हमने बता दिया कि जितना ज़्यादा हम मैकेनिकल्स लॉज जो होते हैं, मैकेनिकल एस्पेक्ट्स जितने होते हैं उतने ज़्यादा अगर हम यूज करते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। तो अगर न्यूटन्स लॉ को हमने समझ लिया और इसका यूज हम अपने स्पोर्ट्स या गेम में करने लगे तो हमारा स्पोर्ट्स उतना ही डेवलप होता जाता है और हमारा परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होता चला जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। इस चैप्टर के बाकी के टॉपिक 2020-21 के लिए CBSE ने डिलीट कर दिए हैं, इसीलिए चैप्टर काफ़ी छोटा हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।